सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धनकार जी। सत्संग स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। सत्संग आज का जो विचार का विषय है वो यही है कि सत्संग सतगुरु के हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सत्संग सतगुरु को इतनी रिस्पेक्ट इज्जत क्यों देते हैं। सत्संग सतगुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सत्संग परमात्मा से भी पहले गुरु का सत्संग दर्जा उससे भी ऊपर माना गया है कि अगर परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हों तो पहले मैं गुरु को शीश नवाऊंगा। क्योंकि सत्संग परमात्मा की लगता, परमात्मा की जानकारी ही हमें गुरु के द्वारा ही हुई है। अगर सत्संग देव हम एक छोटी सी बात से समझना चाहें कि अगर एक इंसान बहुत गरीब हो, एक झोपड़ी में रहता हो और उसके पास चारपाई भी ना हो, नीचे ही ऐसे चद्दर बिछाकर सोता हो, लेकिन सत्संग उसके झोपड़ी के नीचे ही बहुत कीमती खजाना हो, तो सत्संग उस खजाने का उसे कभी लाभ नहीं होगा। अगर वो खोद करके उसको बाहर नहीं निकालता, खोद करके बाहर कब निकालेगा, जब कोई जानकार, जब कोई ऐसा जानने वाला ज्ञाता कोई उसे बता देगा कि तुम जहाँ सोए पड़े हो उसके नीचे तो बहुत बड़ा खजाना है, वो सत्संग जा करके खोद करके उस खजाने को निकाल लेगा। तो सत्संग वो उस आदमी के पैर पकड़ेगा, उसके चरण धोएगा, उसको लाख शुक्र अदा करेगा कि तुम्हारी वजह से आज मैं जो धरती पर सोता था उसी के नीचे खजाना था, लेकिन मुझे पता नहीं था। सत्संग ऐसे ही हमें कुछ भी पता नहीं था जब गुरु सत्संग हमारे जीवन में नहीं आए, जिसने ये लगता नहीं कराई, बताया नहीं कि ये कौन, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है और तुम्हारा जीवन में मकसद क्या है, और तुम्हें सत्संग ये नंकार की जो लगता है वो हमें कराई सत्संग, तो फिर हम सत्संग कह उठे कि धन्यवाद। हर तरफ से सत्संग शुक्रिया अदा करने लगे। जिस प्रकार सत्संग जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो वो सहज कह उठा कि तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम। सत्संग चारों तरफ हर तरफ से वो शुक्र गुजार हो गया भगवान कृष्ण का जब उन्हें ये सत्संग ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सत्संग इसी प्रकार अगर कोई सत्संग इंसान बहुत ज़्यादा भूखा हो और उसे पता ना हो कि आसपास खाने की वस्तु कहाँ मिलेगी, और कोई ऐसा जानकार उसे बता दे कि इस गांव को पार करते ही खेत हैं, वहाँ पर तुम चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें खाने का भरपूर मिल जाएगा, और सत्संग वो वहाँ पहुँच जाएगा तो उसका पेट भर जाएगा और वो आनंदमय हो जाएगा। तो सत्संग भगत कबीर भी कहते हैं कि जब तक मैं इस जानकार के बिना ये कोई जानकारी नहीं हो पाती, इसी प्रकार सत्संग गुरु के बिना जानकारी होना असंभव है। क्योंकि सत्संग अगर हम देखें